यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस बीच सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक ट्रक चालक ने टोल कर्मी को कुचल दिया है। तो ये सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोल ना देने पर ट्रक चालक ने टोल कर्मी को कुचल दिया है। यहां पर ट्रक चालक की मनमानी दिखाई दे रही है और ये देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये ट्रक जा रहा है और यहाँ पर पैसे वसूलने के लिए टोल कर्मी भागा लेकिन उसको कुचल दिया गया। यानी कि जो ट्रक चालक है उसकी मनमानी देखने को मिल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुलदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कुलदीप सिंह, यहाँ पर जो है ट्रक चालक की मनमानी दिखाई दे रही है, धड़ल्ले से यहाँ पर जितने भी ये टोल कर्मी है, एक टोल कर्मी है उसको कुचल दिया जाता है, क्या है पूरा मामला? जी, आज सुबह करीब 4 बजे टोल कर्मी अपने नाके पर ड्यूटी दे रहे थे, इसी टाइम तेज गति से एक ट्रक आया और ट्रक को रोकने की स्थिति में नहीं था, वो सीधा निकल गया। कुछ टोल कर्मी उनके पीछे भागे जबकि एक टोल कर्मी ट्रक के पीछे लटक गया और जिसकी कुछ देर बाद आगे डेड बॉडी मिली। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, लेकिन टोल कर्मी की नाकामी वहां साफ दिखाई दे रही है। ना तो टोल पे बैरियर लगा हुआ था, ना ही कुछ सुरक्षा के इंतजाम थे। जी कुलदीप, फिलहाल जो ट्रक चालक है क्या उसे पकड़ा गया है? नहीं, अभी तक ट्रक चालक की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि उनको सीसीटीवी फुटेज में ट्रक का नंबर नहीं मिला है। पुलिस से बात की तो पुलिस कह रही है जांच जारी, जांच के बाद गिरफ्तार कराया कर लिया जाएगा। जबकि वो लड़का एक गरीब परिवार से था और कमाने वाला पूरे परिवार में एक ही सदस्य था। कुलदीप, यहाँ पर टोल प्लाजा पर देखा जा रहा है कि वाहनों को रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है, तो ऐसे में प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन से हमारी बात हुई थी, जब प्रशासन आज छुट्टी के कारण कैमरे के आगे कुछ बोल नहीं पा रहा है, उन्होंने कल तक का टाइम दिया है। लेकिन प्रशासन ने फोन पे बताया है कि टोल कर्मियों के खिलाफ भी अगर कुछ कमी पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह तमाम जानकारी के लिए।